हेलो दोस्तों, आज हम लोग डीएवी के क्लास सिक्स एमएड के पाठ सात को पढ़ेंगे। इसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। प्रश्न एक, भगवान राम किस युग में उत्पन्न हुए? तो इसका उत्तर है भगवान राम त्रेता युग में उत्पन्न हुए। प्रश्न दो, राजा दशरथ के पुत्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है राजा दशरथ के पुत्रों के नाम, पहला राम, दूसरा भरत, तीसरा लक्ष्मण, चौथा शत्रुघ्न। तो प्रश्न नंबर तीन, श्री राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ वन में क्यों गए? तो इसका उत्तर है श्री राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ वन में यज्ञ की रक्षा के लिए गए। प्रश्न चार, श्री राम को वनवास क्यों मिला? तो इसका उत्तर है श्री राम को वनवास मिला क्योंकि राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने अपने वर में श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मांगा। प्रश्न पाँच, सीता हरण में रावण ने किससे सहायता ली? इसका उत्तर होगा सीता हरण में रावण ने मारीच से सहायता ली। प्रश्न छः, सुग्रीव राम के साथ दोस्ती कैसे निभाई? तो इसका उत्तर होगा सुग्रीव के सैनिकों ने सीता की खोज करने में श्री राम की सहायता की तथा उसके सेनापति नल और नील ने लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर पुल बनाया। प्रश्न नंबर सात, सीता जी की खोज किसने की? उत्तर, सीता जी की खोज हनुमान जी ने की। प्रश्न आठ, लक्ष्मण को किसके बाणों से मूर्छा आई? उत्तर, लक्ष्मण को मेघनाथ के बाणों से मूर्छा आई। प्रश्न नौ, लंका के राजी श्री राम ने किसको दिया और क्यों? इसका उत्तर, लंका का राजी श्री राम ने विभीषण को दिया क्योंकि विभीषण युद्ध के पहले ही रावण की दुर्नीति और उसके अपमान के कारण दुखी होकर श्री राम की शरण में आ गया। प्रश्न दस, श्री राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है श्री राम के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें श्री राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।